आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू और कश्मीर में काफ़ी इकोनॉमिक संभावनाएं यहां पर डेवलपमेंट की देखने को मिल रही हैं, और जिस तरीके से देखा जाए यहां पर काफ़ी रेटिंग एजेंसीज ने, या फिर अगर आप देखें तो फिकी और एसओचैम की जो रिपोर्ट आई हैं उनमें इकोनॉमिक संभावनाओं की अपार संभावनाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। और अगर यहां पर फैक्चुअल में अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से रियल इस्टेट का डेवलपमेंट या इंडस्ट्री का डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़े लेवल पे देखने को मिल सकती है। और हालांकि यहां पर टूरिज्म को लेकर के अभी तक काफ़ी जो है अनिश्चितता थी, वो यहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट फेज में देखने को मिल सकता है। और इंडिया के खासतौर से भारत के एक रेवेन्यू का सोर्स यहाँ पर बहुत बड़ा टूरिज्म यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुछ और फैक्टर पे भी यहाँ पर अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से कश्मीर के या जम्मू के यूथ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे मौके हैं, क्योंकि यहाँ पर जाफरान की जो पैदावार होती है उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है और उसे एक अच्छा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल सकता है और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। और इन सबको के साथ में यहाँ पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट या फिर ये कहें कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट काफ़ी बड़े लेवल पर देखने को मिल सकता है। और अभी जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर में काफी कम संभावनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन फ्रूट्स में इसका काफी नाम था, खास तौर से एप्पल, आलमंड और वॉलनट और चेरी जैसे कई प्रोडक्ट जो है वो जम्मू से यहाँ पर सप्लाई किए जा सकते थे। लेकिन अब वहाँ पर इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सकता है। और साथ ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था, जिसमें कि मेडिसिन, खास तौर से हर्बल मेडिसिन्स का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है और वहाँ पर काफ़ी अपार संभावनाएं इसको लेकर के देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसी बहुत से ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कि आगे आने वाले समय में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को एक नया रूप देते हुए नजर आएंगे।